पंद्रहवीं विधानसभा में चुनकर आए सभी नव निर्वाचित विधायकों को 25 अक्टूबर को दिलाई जाएगी शपथ। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ग्रहण किया अपना पदभार। प्रदेश भर में आज से समाधान शिविरों का आयोजन। अपनी समस्याओं को लेकर शिविरों में पहुंचे लोगों की अधिकारियों ने सुनी शिकायतें। प्रदेश की मंडियों में पहुंचे कुल 35,63,000 मीट्रिक टन धान में से अधिकतर की एमएसपी पर हुई खरीद। किसानों के खाते में अब तक पहुंचे 4,314 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता अवसंरचना के लिए निकट भविष्य में देश के सभी दुग्ध उत्पादक किसानों को दूसरी श्वेत क्रांति से जोड़ने की है तैयारी। नमस्कार, मैं हूं रजिंदर कौर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। नरवाना से चुनकर आए कृष्ण कुमार बेदी को सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में डबल इंजन की सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर आगे लेकर जाएगी। हरियाणा में सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया। हम सभी कड़ी मेहनत कर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को सभी विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। शपथ के लिए 25 तारीख को विधानसभा के अंदर सभी माननीय विधायकों की शपथ होगी। उसके बाद विधानसभा का सत्र भी आएगा, परंतु 25 तारीख को सभी विधायकों की शपथ होगी। एक प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां देने में बाधाएं पैदा कर रही है। भर्ती रोको गैंग कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, ये भी उन्होंने कहा। कांग्रेस और भर्ती रोको गैंग को जनता ने नकार दिया है। मुख्यमंत्री ने पराली प्रबंधन पर कहा कि उच्चतम न्यायालय पंजाब को हरियाणा से सीख लेने की बात कहते हुए प्रदेश की तारीफ कर चुका है। हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन में काफी बेहतर काम किया है। किसानों को पराली प्रबंधन के लिए एक एकड़ पर 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। उन्होंने किसानों से पराली ना जलाने की अपील की। कोर्ट ने कि आप वहां से सीख लें और अपने लिए भी पराली प्रबंधन का काम करें। मैं अपील करना चाहूंगा कि हम पराली ना जलाएं, दूसरे को भी रोकें अगर कोई पराली जलाता है। आगे आकर के किसानों से अपील करूंगा, क्योंकि हमने उसके लिए अलग से प्रावधान किया है। अगर प्रति एकड़ वो पराली उठाता है, आग नहीं लगाता, तो 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भी हम उसको इंसेंटिव देते हैं। और हमने अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसको इकट्ठा करने के, चाहे रिपर है, बेलर है, उसके ऊपर भी हम सब्सिडी के ऊपर किसान को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैंने अभी कहा है कि अगर और आवश्यकता है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करें। कार्यभार संभालने के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हम सब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने का काम करेंगे। पत्र हमारी पार्टी ने दिया है, उस संकल्प पत्र को आगे बढ़ाने का, उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो तीसरी बार सरकार बनी है और जो सरकार से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करने में माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम के साथ सभी साथी मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे और हरियाणा को शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा में लोगों के विश्वास और गारंटी देकर उस संकल्प को भी हमने पूरा करना है। अभी हमारा सभी का एजेंडा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र हमने तैयार करके जनता के बीच में गए थे, सबसे पहले प्राथमिकता वो है। और संकल्प पत्र में सभी विभागों की जो जो काम होने वाले हैं उनकी पहले से ही सूची जारी हमारे केंद्र नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों में जाकर मरीजों से उनका हाल चाल जाना और अस्पताल द्वारा दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अस्पताल की मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करते हुए मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं देने के लिए अधिकारियों और चिकित्सकों को जरूरी निर्देश भी दिए। उधर स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद गुरुग्राम पहुंची आरती राव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग से जुड़ी जारी विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए।
पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में बनने वाले 800 बेड के नागरिक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के कार्यों को तेजी से बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि वे स्वास्थ्य मंत्री के नाते अस्पतालों द्वारा अधिक फीस वसूलने के कारण लोगों के हो रहे शोषण को खत्म करने का काम करेंगी। जो 800 बेड प्लस का अस्पताल बनने जा रहा है वो जल्द से जल्द उसका काम शुरू हो ताकि हम लोगों को सिविल हॉस्पिटल एक अच्छा बड़ा और बहुत ही मॉडर्न सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव और हमारे दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र के लोगों को के लिए खड़ा कर सकें। पेशेंट्स की जो एक्सप्लॉयटेशन होती रही है वो कम, और सीएमओ के पास इतनी पावर नहीं है आज के दिन। मैं ज़्यादा पावर देना चाहूँगी चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को ताकि अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स आए वो जांच करें और जो अस्पताल पाए गए ओवरचार्जिंग के और एक्सप्लॉयटेशन के उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई। और मैं चाहूँगी आज मैं जा रही हूँ, हम अपने अध्यक्ष साहब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष साहब नड्डा साहब से भी एक भेंट करेंगे और मैं उनसे चर्चा करूँगी एम्स के बारे में। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर ने फरीदाबाद के लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में जारी विकास कामों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि तिगाम विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास के काम चल रहे हैं लेकिन समयबद्ध तरीके से अभी तक पूरे नहीं हुए। इसके लिए संबंधित अधिकारी पर विजिलेंस जांच बैठाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। राज्य मंत्री ने काम में ढील बरत रहे ठेकेदारों के टेंडर रद्द कर उन्हें दूसरे ठेकेदारों को देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे निर्बाध रूप से जिला में चल रहे विकास कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें और बिना किसी दबाव में आए पूरी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वाह करें। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर फरीदाबाद को नंबर वन स्मार्ट सिटी बनाना है। देखो कुछ काम थे हमारे पीडब्ल्यूडी रोड्स के, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, नगर निगम के, उनके लिए एक आज मीटिंग बुलाई है और जो भी बातें हुई हैं हमने को डेडलाइन दी है और अभी कॉन्ट्रैक्टर भी बुला रखे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी करें। बुद्धि कह रहे हैं जी दबाव है हम पे, तो नाम भी लिया एक अधिकारी ने। जो हमारी सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की रोड है उनमें देरी हुई है, तो देरी हुई है तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उनको जो भी कसूरवार है चाहे ठेकेदार है या कोई अधिकारी है या कोई और है वो उसकी सफाई मतलब उसकी आनी चाहिए। सच्चाई क्या है, क्यों क्या कारण रहे, क्यों डिले हुई, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे या भ्रष्ट है या लोगों को हमारे जनता को होली वाली जनता को चक्कर कटवाते हैं तो ऐसे अधिकारी मुझे नहीं चाहिए। परिवहन मंत्री अनिल विज भी अपना पदभार संभालने के बाद एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने कल अंबाला छावनी बस स्टैंड पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बस स्टैंड पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं, टिकट काउंटर की जांच की। इसके साथ ही उन्होंने बस अड्डे पर लगी लाइटों और जानकारी देने वाले बैनरों का भी मुआयना किया। परिवहन मंत्री ने बस अड्डे पर सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बस अड्डे पर दुकानदारों को आवंटित जगह से ज्यादा स्थान का अतिक्रमण करने पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने परिवहन आयुक्त को पाए गए अतिक्रमण के माप की जांच के आदेश भी दिए। परिवहन मंत्री ने यात्रियों को पेश आने वाली कठिनाइयों की जाँच के लिए खुद बस में सवार होकर सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा तो नारा ही है कि काम किया है और काम करेंगे, यह निरीक्षण का काम आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। कागज भी देखने पड़ेंगे कि कितनी जगह का दिया और कब से ऐसे हो रहे हैं। अब एक जगह तो मैंने ये देखा वहाँ दुकान भी नहीं है, पुराने में दुकान चल रही है। अब बिना देखे कुछ नहीं कह सकते हैं, इसकी जांच कराएंगे। अभी मैं पता करता हूँ कि हायरार्की में कौन कौन अफसर है और मैं दिल्ली जाने तक सेट कर दूंगा भी कितने इंक्वायरी करते हैं। ऐसे ही है, काम करते हैं, हमारा नारा काम किया काम करेंगे। और सारे अधिकारियों को कह दिया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश का पालन करते हुए आज से प्रदेश भर में जनता के लिए समाधान शिविर शुरू हो गए, जहां अधिकारियों ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आमजन की समस्याओं का समाधान किया। करनाल में निगम आयुक्त ने विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलकर समाधान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान शिकायतें लेकर शिविर में पहुंचे लोगों ने निगम से जुड़ी अपनी समस्याओं से निजात पाई। करनाल नगर निगम आयुक्त नीरज कादियान ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक आज निगम कार्यालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आज पहले दिन
16 शिकायतों में से 7 का समाधान मौके पर किया गया। लंबित शिकायतों के समाधान के लिए 2 से 7 दिन का समय दिया गया है। डिपार्टमेंटल बॉडीज को निर्देश दिए हैं कि हर दिन सुबह 9 से 11 बजे हर यूएलबी में समाधान शिविर लगाए जाएंगे और उन समाधान शिविर में जितनी भी समस्याएं लोगों की हैं उनका मौके पे समाधान करना है और अगर किसी भी समस्या का समाधान मौके पे नहीं हो पाता है तो उन जितने भी शिकायतें हैं उनका टाइम लाइन के अनुसार समाधान। करनाल नगर निगम के समाधान शिविर में 16 शिकायतें हमको प्राप्त हुई है, उसमें से 7 शिकायतें मौके पर ही उनका समाधान कर दिया गया और 9 शिकायतें अभी लंबित पड़ी है जिसमें हमने 2 दिन से लेकर 7 दिन का समय मैक्सिमम दिया है। समाधान शिविर में पहुंचे स्थानीय नागरिकों ने सरकार की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि समस्याओं के लिए हमें इधर उधर जाना पड़ता था लेकिन अब शिविर में आकर आसानी से हल मिल रहा है। प्रॉपर्टी आईडी में नाम दर्ज करवाने के लिए तो यहाँ पर बड़ी सफलतापूर्वक मेरा नाम ऐड हो गया है और मेरा समाधान हो गया, संतुष्ट है। मैं समाधान के लिए जो पत्रक्रम लेके आया था उसकी कार्रवाई मेरे संतुष्ट कर गया। मेरी 2 कंप्लेंट थी, 1 एरिया कुरक्षण और 1 फोन नंबर की कुरक्षण, तो मेरी दोनों ही क्लियर हो गए। उधर हिसार नगर निगम में भी आज से समाधान शिविर की शुरुआत हुई। शिविर में स्थानीय लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। हिसार नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने कहा कि मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए समाधान शिविर की शुरुआत की गई है। ये प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लगाया जाएगा। आज लगभग 29 शिकायतें मिली जिनमें से अधिकतर शिकायतें प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी थी। अधिकतर समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया, जो रह गई है उन्हें भी जल्द हल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये समाधान शिविर 1 महीने तक लगातार चलेगा, लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। जो शिकायतें आई हैं तकरीबन 29 शिकायतें यहाँ पर आई हैं, उनमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित हैं जिसमें कि टैक्स करेक्शन और नाम चेंज करना प्रॉपर्टी आईडी में, इस तरीके की हैं। मेजॉरिटी का तो समाधान मौके पर ही करवा दिया गया है, जो रह भी गई हैं उनका भी जल्दी समाधान करवा दिया जाए। 1 महीने तो चलेगा ही, उसके बाद जैसे भी आदेश मिलते हैं सरकार के उस हिसाब से आगे भी उसको बढ़ाया जाएगा और सभी शिकायतों का समाधान किया जाता है। जैसे बर्थ एंड डेथ के सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई शिकायत है या कहीं पर किसी को सफाई से संबंधित शिकायत है या उन्हें कहीं पर कोई विकास का कार्य करवाना है, कहीं पर सड़क टूटी हुई है, इस तरीके की शिकायतें हैं। हिसार के ऋषिनगर से पहुंचे आशीष लावट ने बताया कि हम रेहड़ियों के अतिक्रमण की समस्या को लेकर समाधान शिविर में पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुना गया और जल्द से जल्द हल का आश्वासन दिया गया। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए समाधान शिविर को उन्होंने एक अच्छा कदम बताया। एक अन्य निवासी अनिल राठी ने कहा कि इस समाधान शिविर को लगातार चलते रहना चाहिए, इससे आमजन की समस्याएं जल्द से जल्द हल हो सकेगी। अपने मकान की जमीन के टैक्स से जुड़ी समस्या को लेकर शिविर में पहुंचे राजेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले में संबंधित अधिकारी को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। समाधान शिविर में ही लोगों की समस्याओं का हल होना अच्छी बात है। हमारे वैशाली शर्मा जी से इन्होंने बहुत अच्छे से हमको अटेंड किया और हमारे कहने के ऊपर इन्होंने ऋषि नगर के अंदर एक दौरा भी किया, परंतु उसका स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ। अभी हम मिले हैं, हमारी एप्लीकेशन को लिया गया है, अधिकारियों से पूछा कि आपने अभी तक क्यों नहीं रेडिया क्यों नहीं डाई गई है, तो वो बोले कि मैडम ये जेसी साहब काम है या फलाना जो भी है। इन्होंने अच्छे से मार्क किया है, आश्वासन दिया गया है कि आपको समस्या का समाधान किया जाए। जो समाधान शिविर चालू किया गया है ये बहुत ही अच्छा है, हम चाहते हैं लगातार चलता रहे। इसमें क्या इजली समस्याओं का समाधान हो रहा है, हमें भी अच्छा आश्वासन मिला मैडम की तरफ से, तो हम भी चाहेंगे भी ये समाधान शिविर चले, बहुत अच्छी चीज़ है ये और जनता के लिए भी बहुत फेवर में रहेगा। मेरे मकान का एरिया लगभग डबल दिखा दिया, 240 की जगह 489.73 दिखा दिया, उसके हिसाब से टैक्स बढ़ा के और 2900 कुछ टैक्स बढ़ा दिया। मेरा टैक्स आता था 1200 कुछ पहले, तो उन्होंने दे दिया कि चिट्ठी लिखेंगे ए आर को, आप एक ए आर से कॉन्टैक्ट करो। ये तो ठीक है, हो जाए तो किसी का हाल है, अब मैं आज पहली बार आया हूँ। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रदेश के किसानों से पराली ना जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की बजाय किसान इसे खेत में खपाकर जमीन को और उपजाऊ बना सकते हैं। सरकार भी किसानों को पराली प्रबंधन के प्रोत्साहित कर रही है, वे इसका लाभ उठाएं। किसानों के शंभू बॉर्डर पर बैठे रहने के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरह अगर
पंजाब भी सभी फसलें एमएसपी पर खरीदना शुरू कर देती है तो यह समस्या नहीं रहेगी। पराली तो हम किसान भाइयों से आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं, बेनती करते हैं भी पराली किसान जलाने के लिए किसान को भी फायदा नहीं है। अगर हम इसको खेत में खपा दें तो खेत हमारा फर्टाइल होगा, फसल ज्यादा होगी। सब्जी किस फसल करें, चाहे गेहूं की फसल करें, चाहे कोई और फसल करें, पराली से तो खेत का उपजाऊ बनता है। ये थोड़ा हम इसका प्रयास करके इसको खेत में खपाना शुरू कर देंगे तो बहुत है, लेकिन खेत में अगर नहीं खपते आपको जल्दी है तो मशीन से पैकिंग करके इसकी सेल भी होती है, सरकार सब्सिडी देती है। इसपे बॉर्डर पे तो देखिए वो पंजाब का किसान है, वो पंजाब की समस्या है। अगर वहाँ की सरकार हरियाणा की तरह 24 फसलें अगर एमएसपी में खरीदना शुरू कर दे, वो समस्या खत्म हो जाएगी, बॉर्डर के तो सारे उठ जाएंगे। वो तो पंजाब सरकार की कमी के कारण बैठे हैं। प्रदेश में पराली जलाने के मामलों की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को आदेश जारी किए गए हैं। पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कैथल के जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने कहा कि जिले में पराली जलाने के मामले में 127 किसानों पर कार्रवाई करते हुए 81 पर 2,05,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 18 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के बार बार किसानों को पराली ना जलाने की अपील के बावजूद जिन किसानों ने अपने खेत में पराली को आग लगाई उनके खिलाफ प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। उन्होंने वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जिले के किसानों से पराली ना जलाने की अपील की। किसानों को समझाया जा रहा है कि आप पराली ना जलाएं, और इसमें अभी तक 18 FIR की जा चुकी हैं और कुछ अरेस्ट भी हुए हैं। नहीं, पहले से तो बहुत कमी आई है। जो पीक था वो दशहरे वाले दिन था, उसके बाद से ड्रेस्टिक डाउन आया है। और उसमें किसानों को यही है, बार बार समझाया जा रहा है कि आप पराली बिल्कुल ना जलाएं, उससे वातावरण प्रदूषित होता है और वो सबके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। बहुत से पराली प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं कि वो बेलर के थ्रू गांठे बनवा सकते हैं या पराली को उसी में खेत में ही मिला सकते हैं, जिसको हम इनसीटू और एक्सीटू प्रबंधन कहते हैं। तो उसके थ्रू अलग अलग ढंग से किसानों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और हमारे ऑफिसर्स और दूसरे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी उनसे बार बार मिल रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, और फ्लैग मार्च भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली NCR क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण आज सुबह से लागू हो गया। दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। ग्रेड के दूसरे चरण में 11 सूत्री कार्य योजना पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस योजना के अंतर्गत एजेंसी द्वारा निर्धारित सड़कों पर नियमित आधार पर सफाई की जाएगी। इसके अलावा इन सड़कों पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव होगा। इससे निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए निरीक्षण तेज होगा। समिति ने इस NCR में सभी चिन्हित हॉटस्पॉट में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्रित और लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें वैकल्पिक बिजली और उत्पादन सेटों और उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। समिति ने लोगों से अक्टूबर से जनवरी के दौरान धूल उड़ाने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने का आग्रह किया। समिति ने ठोस कचरा और जैव ईंधन को खुले में जलाने से बचने के लिए भी कहा है। इधर प्रदेश में खरीफ विपणन सीजन के तहत अब तक कुल 35,63,000 मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंच चुकी है। एजेंसियों द्वारा 31,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद MSP पर की जा चुकी है, जिसकी एवज में 4,314 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किसानों के खातों में किया गया है। अब तक मंडियों से 21,35,066 मीट्रिक टन धान का उठान किया जा चुका है। कुरुक्षेत्र जिला में हुए धान की सबसे ज्यादा खरीद की गई है। जिले में अब तक 7,19,497 टन धान की खरीद हुई है। अन्य जिलों की मंडियों में अभी आने वाली धान को खरीदा जा रहा है। बाजरे की बात करें तो प्रदेश में 3,44,000 मीट्रिक टन से ज्यादा बाजरे की खरीद हुई है। इसके लिए किसानों को 469 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। महेंद्रगढ़ में 91,563 मीट्रिक टन बाजरे की सबसे ज्यादा सरकारी खरीद की गई। धान के साथ साथ अन्य खरीफ फसलों की खरीद का कार्य भी MSP पर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत निकट भविष्य में सहकारिता अवसंरचना के लिए देश के सभी 8 करोड़ दुग्ध उत्पादक किसानों को दूसरी श्वेत क्रांति से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। गुजरात के आणंद में आज राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB
बीके हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि वर्तमान में सिर्फ 1.5 करोड़ दुग्ध उत्पादक किसान सहकारिता से जुड़े हुए हैं और अधिकतर दुग्ध किसानों का अभी भी शोषण हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के डेयरी क्षेत्र में वार्षिक तौर पर 6% की दर से वृद्धि हो रही है, यह विश्व की औसत वृद्धि से ज्यादा है। उन्होंने दुग्ध उत्पादक किसानों के आर्थिक विकास और डेयरी उद्योग की सफलता में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना भी की। अमित शाह ने अगले 5 वर्षों में देश में 2 लाख सहकारिता स्थापित करने की भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना का अनावरण भी किया। डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने नेशनल गोकुल मिशन जैसी सरकार की कई पहलों का उल्लेख भी किया और वैश्विक स्तर पर भारत के सहकारी दुग्ध ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सराहना भी की। रोहन भाई एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके कर्मठ जीवन की व्याख्या शायद ही विश्व में कोई कभी कर पाएगा। पूरा जीवन काम करने के बाद आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो व्यक्ति को ना नाम मिला ना दाम मिला, मगर परिणाम देखे देश के 5 करोड़ पशुपालक आज अब सुख चैन की जिंदगी जीने के रास्ते पर। त्रिभुवन भाई ने अपने समग्र जीवन में स्व को पिघालकर अपने आप को पिघलाकर देश के गरीब कृषकों को और विशेषकर कृषि के साथ जुड़ी हुई पशुपालन के साथ जुड़ी हुई भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अनूठे विचार के साथ काम। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए परिसर का उद्घाटन और बोर्ड की कई किसान केंद्रित परियोजनाओं का अनावरण भी किया। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को दिए गए हैं जिनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय इत्यादि शामिल हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि स्वास्थ्य जीवन के लिए पानी बेहद जरूरी है। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत देश के 78% से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन दिए हैं और साल 2019 में इस मिशन की शुरुआत के मौके पर सिर्फ 17% ग्रामीण घरों में ही स्वच्छ जल की उपलब्धता थी। राष्ट्रपति ने बताया कि जल जीवन मिशन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पानी एक मूलभूत आवश्यकता होने के साथ उसका बुनियादी मानवाधिकार भी है। स्वच्छ जल की उपलब्धता सुरक्षित किया बिना यह स्वच्छ और समृद्ध समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। 2019 में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन की शुरुआत के समय केवल 17% ग्रामीणों परिवार के पास टेप वाटर की सुविधा थी। आज 78% से अधिक परिवारों के पास नल से जल पहुंचा दिया गया है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का मानना है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। राष्ट्रपति ने कहा कि जल संरक्षण में राज्य सरकारों की भूमिका अहम है और उन्होंने देश की भूमिगत जल में हो रही कमी पर चिंता जताई। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा को, द्वितीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को और तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से गुजरात और पुडुचेरी को दिया गया। प्रत्येक पुरस्कार विजेताओं को विशेष श्रेणियों में प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिया गया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के अपने 2 दिनों के दौरे के तहत कजान पहुंच चुके हैं। कजान पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर विशेष उत्सुकता दिखाई। प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन में निमंत्रण के लिए व्लादिमीर पुतिन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कजान में भारत के नए काउंसलेट खुलने से दोनों देशों के बीच संबंध और बेहतर होंगे। उन्होंने रूस के साथ भारत के संबंधों को ऐतिहासिक बताया और कहा कि वे कल ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष की बात करते हुए कहा कि हर समस्या का हल शांति से निकलेगा। रूस के राष्ट्रपति ने भारत के साथ अपने संबंधों को अहम बताते हुए कहा कि हमारी योजनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने दोनों देशों के सहयोग की सराहना भी की। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में
आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। प्रदेश में दिवाली के उपलक्ष्य में 1 नवंबर 2024 के बजाय 31 अक्टूबर को राजपत्रित अवकाश रहेगा। इसे लेकर सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। 31 अक्टूबर को प्रदेश सरकार के सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, शैक्षणिक और अन्य संस्थानों में दिवाली का अवकाश रहेगा। उधर प्रदेश के स्कूलों में छोटी दिवाली पर 31 अक्टूबर को होने वाला अवकाश अब 30 अक्टूबर को होगा। इस संबंध में स्कूलों शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों, जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। नूह में डेंगू के 7 मामले सामने आए हैं। मलेरिया के भी कुछ संदिग्ध मामले देखे गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और सर्विलांस की जा रही है। सीएमओ डॉक्टर सर्वजीत थापा ने बताया कि मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। नूह ही नहीं, पूरा हरियाणा मलेरिया फ्री है। पिछले 4 सालों में लगातार केसों में गिरावट आ रही है। बीते साल 2023 में एक भी केस सामने नहीं आया था। अभी तक जो 2 केस पॉजिटिव निकले वह बाहरी राज्यों से आए हुए थे। यहाँ पर मलेरिया के केस अभी तक सामने नहीं आए हैं। एक्टिव सर्विलांस टीमों द्वारा स्लाइड तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि जहाँ तक डेंगू के केसों की बात है तो अब तक 7 मामले सामने आए हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले को अलर्ट मोड पर रखा है। सीएमओ नूह ने बताया कि जिस बच्ची की मृत्यु हुई वह फिरोजपुर झिरका की है, जिसका इलाज अलवर के एक अस्पताल में चल रहा था। उसके बाद फिरोजपुर झिरका शहर में फॉगिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे कोई डेंगू का मामला ना आए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चार सालों में देखें तो हमारे केस बहुत ज्यादा तेजी से डिक्रीज होने शुरू हुए। पहले मतलब 3 साल पहले 20-22 केस थे, उसके बाद अगले साल 15-16 रह गए। लास्ट टाइम हमारा कोई केस नहीं था मलेरिया का। अब भी जो मलेरिया केसेस जो हमारे पास पॉजिटिव निकले थे इस एरिया में, तो पता लगा जब उनका सर्विलेंस किया गया, पता लगा कि वो उड़ीसा से आए हुए वो ड्राइवर थे। ऐसे हमारी टीम में एक्टिव सर्विलेंस भी हैं। हम जो स्लाइड्स बना रहे हैं, फीवर केसेस स्लाइड बना रहे हैं, वो भी केस डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर जगह हो रहा है। जहाँ तक डेंगू की बात है, डेंगू के हमारे पास अभी तक 7 केसेस थे जो पॉजिटिव थे यहाँ। उसके बाद हमने अलर्ट मोड पर रखा पूरे डिस्ट्रिक्ट को, आशा वर्कर थ्रू सर्विस करवाया। एक ड्राई डे वीक, मतलब एक हफ्ते में एक बार ड्राई डे मनवाया। उनसे ये कहा कि हर घर में जाके बताएं कि हर घर में एक दिन के लिए सारे टंकियां, कूलर, जो भी चीज़ें हैं, गमले सब खाली करवाएं, एक दिन सूखा रखें उसको 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर दोबारा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर अम्बाला छावनी और गांव शिमला की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। खुशी नामक एक सहायता समूह ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कैंडल बनाने की ट्रेनिंग ली। अब ये कैंडल्स न केवल स्थानीय स्तर पर बेची जा रही हैं बल्कि विदेशों में भी दिवाली और क्रिसमस के मौके पर भेजी जाती हैं। इस समूह की महिलाएं पानी में तैरने वाली सूरसिंग कैंडल्स बना रही हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। यह कार्य महिलाओं को आजीविका का स्रोत देकर आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। राज्य द्वारा उन्हें लोन दिया गया है जिससे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। शिमला ब्लॉक बराड़ा की रहने वाली मोनिका दत्ता ने बताया कि हमने ये कैंडल बनाने की ट्रेनिंग ली है। हम सोर्सिंग कैंडल बनाते हैं जो हमारी दूर दूर तक जाती हैं। लोग इस कैंडल को विदेशों जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक भेजते हैं। हमारे समूह में 10 से 12 महिलाएं काम करती हैं। इस काम के लिए सरकार से सहायता मिली है। हमने ये कैंडल बनाने की ट्रेनिंग ली है। हम जेल कैंडल, फ्लोटिंग कैंडल वगैरह बनाते हैं जो हमारी यहाँ हमारे आसपास और डिस्ट्रिक्ट में और दूर दूर तक जाती हैं सर। और सबसे ज़्यादा ये अच्छी बात है कि हम लोग इस कैंडल को विदेशों में भी जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक भी भेजते हैं दिवाली पर और क्रिसमस पर। और ये हमारी ये कैंडल जो है वहाँ पर भी अच्छे रेट में बिक रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के बाद हमें ये जो मिला, ये जो काम हमने शुरू किया है हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। और हमने अब ऑर्डर पे बना रहे हैं आजकल। हम सर, मेरे साथ 5 लेडीज हैं हम,
तो हम 5 लेडीज मिलकर ये बनाते हैं। इस सरकार की सबसे बढ़िया योजना हमें ये लगी और हम महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया है कि हम अपने घर पे बैठ के ही काफी अपना रोजगार को बढ़ा सकते हैं और इससे हमें हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और ग्राम संगठन है गवर्नमेंट की तरफ से हमें काफी लोन वगैरह भी अप्रूव हुए हैं। यहाँ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।